दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिना इस बटन को क्लिक किए कैसे आप मैसेज भेज सकते हो। जी हाँ गाइज, आज मैं बहुत ही यूनिक ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे व्हाट्सअप ने एक सेटिंग लाया है जिस सेटिंग को यूज़ करके इजिली आप बिना इस ऑप्शन को यूज़ किए आप सेंड कर सकते हो कोई भी मैसेज को। कैसे सेंड करना है पूरी जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। और यहाँ पे गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना व्हाट्सअप को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे गाइज व्हाट्सअप को कर लेते हैं ओपन। वेल गाइज, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले हम एक चैटिंग को ओपन कर लेते हैं। वेल यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक चैटिंग को ओपन किया है। और यहाँ पे गाइज सपोज हम लिख रहे हैं ये हेलो, एंड देन गाइज अगर हमको इसको मैसेज को सेंड करना है देन हमको दोस्तों इस बटन को यूज़ करना होता है। लेकिन गाइज चलिए हम बताते हैं वो सेटिंग जो यूज़ करके बिना इस बटन को क्लिक किया आप सेंड कर सकते हो मैसेज। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो होम पेज है व्हाट्सअप का यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा 3 डॉट, ऊपर में 3 डॉट मिलेगा, ये 3 डॉट पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। देन गाइज यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट ऑप्शन जो होगा सेटिंग, ये सेटिंग वाला ऑप्शन को क्लिक करना होगा। तो चलिए हम सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देन गाइज यहाँ पे आपको मिलेगा व्हाट्सअप से रिगार्डिंग एवरीथिंग आप चेंजिंग कर सकते हो। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना है जो ऑप्शन का नाम है चैट, ये चैट वाला ऑप्शन पे एक बार आपको टैप करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं चैट वाला ऑप्शन पे। और दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगा। तो चलिए गाइज यहाँ पे आपको बताते हैं प्रोसेस की तरफ। और यहाँ पे गाइज ऊपर में आपको मिलेगा चैट लिखा हुआ क्योंकि मैंने चैट वाला ऑप्शन पे क्लिक किया है। देन गाइज यहाँ पे आपको मिलेगा चैट सेटिंग, ये चैट सेटिंग लिखा हुआ मिलेगा। उसके जस्ट नीचे दोस्तों आपको मिलेगा एक ऑप्शन जो होगा इंटर इज सेंड, ये ऑप्शन दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में डिसेबल होगा। तो गाइज आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर लेना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इनेबल कर चुका हूँ इस ऑप्शन को। अब दोस्तों आपको क्या करना है, किसी का चैट ओपन कर लेना है और गाइज बिना वो बटन को क्लिक किए हम आपको मैसेज सेंड करके दिखाएंगे। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं किसी का एक पर्सन का चैट। वेल यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक पर्सन का चैट ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैंने हेलो भी लिख चुका हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये बटन को यूज नहीं करना है, आपको जो इंटर वाला नीचे लास्ट में बटन है ये बटन को यूज करना है। यूज करते ही दोस्तों हम क्लिक करते हैं इस बटन पे और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज ये सेंड हो चुका है। अभी मेरा मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन बंद है, अदरवाइज ये मैसेज सेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप चला गया है, यहाँ पे वेटिंग में अभी मैसेज है। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे हाय लिखते हैं, देन गाइस ये बटन को क्लिक करते ही आप देख सकते हो ये मैसेज भी चला गया। अब दोस्तों आपको इस बटन को बिना यूज किए इजिली आप मैसेज सेंड कर सकते हो किसी को। ये दोस्तों बहुत ही यूनिक ट्रिक है जो आपको मालूम होना चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से या फिर कोई भी सेटिंग से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आता है तो गाइज कमेंट करो, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।